जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, नज़र उठाओ सामने ज़िंदगी खड़ी है। जय महावीर। हमारे आज के खास कार्यक्रम, खास मुलाकात, खास शख्सियत के साथ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज के हमारे खास मेहमान हैं, जो रिटायर्ड पंजाब गवर्नमेंट के ऑडिटर हैं, एक बहुत ही महान शिक्षक जो कि वाकई में एक शिक्षक की भूमिका अदा कर रहे हैं, आइए मुलाकात करते हैं प्रोफेसर वाधवा जी से। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। विनीता जी, जय जनेन्द्र जी। सर, आप हमें ये बताइए कि जैसे आप एक गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट में एक ऑडिटर थे, तो आप शिक्षा की लाइन में कैसे हैं, आप एक शिक्षक कैसे बने? विनीता जी, मुझे शुरू से ही ना, जब मैं मिडिल क्लास में ही था तो मुझे एजुकेशन से ही प्यार था। ये तो आफ्टर एम कॉम मेरी सिलेक्शन हो गई पंजाब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। मैंने अपनी जॉब भी अपनी खुशी के लिए की, लेकिन साथ साथ में मुझे शिक्षा का बारे में सोचता था ना, तो कुछ प्रोफेसर्स अनड्यू एडवांटेज लेते थे बच्चों का, ट्यूशन महंगी थी। तो मैंने अपना मन बना लिया कि मैं बच्चों को साथ साथ पढ़ाऊँगा, तो वो मैंने अपना हॉबी समझो, प्रोफेशन समझो, वो मैंने सर्विस के साथ साथ कंटिन्यू रखा, तो आज भी चल रहा है। सर, उन बच्चों के बारे में आप बताइए कि जो बच्चे वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छा पैसा भी उनके पेरेंट्स खर्च कर रहे हैं उनके एजुकेशन के लिए, पर बच्चों का ध्यान भटक गया है, नहीं पढ़ रहे हैं बच्चों में, रास्ता भटक गए हैं, आप उनके लिए उनको कैसे मोटिवेट करते हैं पढ़ाई के लिए कि वो सही रास्ते पर चलें और अच्छी से पढ़ाई करें? मैडम, बच्चे के लिए ना टीचर की डेडिकेशन होना बड़ा ज़रूरी है। मैं स्टूडेंट को कभी स्टूडेंट समझ के नहीं कराया, मैं उसे अपना बेटा समझ के करवाता हूँ। सबसे जो है ना, पेरेंट्स की लग्जरीज आइटम देना, मोस्टली मोबाइल है। तो मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं, मैं देखता हूँ कि अगर किसी का मोबाइल मुझे रखना भी पड़े ड्यूरिंग पेपर एग्ज़ाम डेज, तो मैं वो 10-15 दिन के लिए वो अपने पास रख लेता हूँ। चाहे बच्चे नाराज़ ही होते हैं, लेकिन वो सही ट्रैक पे तभी आते हैं। आजकल तो 5th क्लास तक के बच्चों के पास भी बड़े अच्छे मोबाइल मिल जाते हैं। मैं अपनी क्लास में बच्चों को मोबाइल अलाउ ही नहीं करता, तो मुझे प्राउड है कि मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं, एक नहीं, सभी बच्चे स्कूल में फर्स्ट पोजीशन में ही जाते हैं। मेरे पास डल आते हैं और टॉप पे जाते हैं। तो ऐसे कैसे उनको आप मोटिवेट करते हैं पढ़ाई के लिए कि बच्चे पढ़ाई में ध्यान लगाएं? बच्चे को एक बार इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। सपोज एक बच्चा 20 नंबर लेता है 100 में से, अगर उसको थोड़ी सी लगन लग जाए ना, उसके 40 आ जाए, फिर 50 आ जाए, जब उसको पता चल जाए कि मैं कर सकता हूँ कुछ, मेरे 80 भी आ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर किसी बच्चे को फोर्स करो ना, नहीं, पेरेंट्स जैसे करते हैं कि नहीं बेटे तेरे 90% मार्क्स आना ज़रूरी है, एकदम नहीं आ सकते। उसका लेवल अगर 10% है तो वो 90 कहाँ से ले आएगा, वो धीरे धीरे अपने आप को करेगा सेट। तो वो टाइम काफ़ी होता है एग्ज़ाम डेज तक, विद इन 5 और 6 मंथ बच्चा पहुँच जाता है 90% तक। और पेरेंट्स मोस्टली मेरे पास नियर अबाउट अबव 100 या स्टूडेंट्स, ऑल पेरेंट्स आर सेटिस्फाइड। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बट लुधियाना के करीम जो फैमिलीज हैं उनके बच्चे सभी मेरे पास पढ़ते हैं। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप शुरू से ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ाने का बहुत शौक है और आप अपनी जॉब के साथ बच्चों को पढ़ाते थे, तो अगर हम कंपेयर करें आज के बच्चों को और पहले के बच्चों को, तो उन दोनों जो जनरेशन है उसमें क्या डिफरेंस है? एक्चुअली जो पहले थे ना बच्चे, बिफोर 90, तो कोई डिजिटल सिस्टम नहीं था। तो अब जब डिजिटल सिस्टम हो गया, हर एक बच्चे के पास मोबाइल है, हर एक पेरेंट्स अपने बच्चे को हर एक फैसिलिटी देना चाहता है, मेरा बच्चा गाड़ी में जाए, मोटरसाइकिल पे, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो एजुकेशन से हट के लग्जरी की तरफ हो गया है आजकल। जो पहले बच्चे थे,
जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मैंने 75 से करवाया, मेरा सब्जेक्ट अकाउंट्स था, मैंने बीकॉम से लेके सीए लेवल तक करवाया, तो मुझे ये प्राउड है कि आज लुधियाना में 200 से ज़्यादा सीए मेरे स्टूडेंट रहे हैं, चाहे कोई एक साल पढ़ा है, चाहे कोई 6 मंथ किसी ने एजुकेशन ली, कोचिंग ली। तो इस वजह से वो पहले निकल गए, कुछ कोई बच्चे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं कॉलेज में, कोई स्कूल में है। तो आजकल जो बच्चे हैं, अगर वो बिजनेसमैन के हैं तो वो बिजनेस को बड़ा लुक आफ्टर कर रहे हैं अच्छे तरीके से। मेरा कुछ एम है कि बच्चों को ना पढ़ाई के साथ साथ उनके पेरेंट्स जो बिजनेस करते हैं उसमें भी इंटरेस्ट लें बच्चे, और अपनी जो एजुकेशन है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा बिजनेसमैन का है, अगर वो अपने अकाउंटेंट से, अकाउंट्स ही मैं करवाता हूँ, अपने वो अकाउंटेंट से बोले कि लाओ तुमने बैंक रिकनसाइल कर लिए, तो अकाउंटेंट अलर्ट हो जाएगा कि अब मेरे ओनर का बच्चा मुझे पूछने लायक हो गया, वो भी काम बिल्कुल ठीक ठाक करेगा, चाहे बच्चा बैंक का आप ना रिकनसाइल कर सके, लेकिन उसको ये ज्ञान हो जाएगा कि नहीं, अब जो मेरे ओनर हैं ना उनके बच्चे भी इंटेलिजेंट हो गए हैं, तो मुझे काम सही ही करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है पहले के बच्चे और आज के बच्चों में। सर, आप जैसे 42 सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हर तरह के बच्चों से आपने डील किया है, तो आप हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको क्या एक संदेश देना चाहेंगे कि बच्चे कैसे एक सही राह पर चलें और कैसे अच्छे से पढ़ाई करें? मैडम, आजकल पढ़ाई में ना पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मार्क्स मार्क्स मार्क्स, कि बच्चों के नंबर आने चाहिए। सब पेरेंट्स चाहते हैं कि 100% मार्क्स, 100% मार्क्स आए। तो मार्क्स तो आ जाएंगे, अगर बच्चे को रियल नॉलेज नहीं होगी, हैं उसको इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता होगा, बच्चा सिर्फ मार्क्स की तरफ, उसको प्रेशराइज ना करें बच्चे को, उसको उसके अपने लेवल पे छोड़ दें, स्टेप बाय स्टेप वो रिकवर कर लेगा, उसको मोटिवेट करें कि आप कर सकते हो कर सकते हो, किसी अच्छे टीचर के पास उसको एजुकेशन दिलाएं, तो ऐसे वो बिजनेस में भी सक्सेसफुल होगा तो अपनी एजुकेशन में भी आगे निकल। अगर उस पर प्रेशराइज करते जाएंगे वो डिप्रेस हो जाएगा, उससे फिर किसी ना किसी ऐसे कोई हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से उसको लॉस हो सकता है। तो पेरेंट्स को डिप्रेस नहीं करना चाहिए बच्चे को, उसको फ्री हैंड दें, और इसके साथ ही उसको जो लग्जरी है फैसिलिटीज़ दे रखी ना उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें। जैसे मान लो 10th से नीचे ही है बच्चा, उसके पास बढ़िया से बढ़िया मोबाइल है, तो अगर तो वो उसको एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ करता है दैट इज़ बेटर, लेकिन 90% बच्चे ऐसा नहीं करते। तो इसके बारे में पेरेंट्स को ज़रूर सोचना चाहिए। तो बाकी तो समाज को पता ही है कि बच्चे कैसे हैं, उनको कंट्रोल कैसे करना है। मैडम जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ आत्मा चैनल की वजह से, जिन्होंने मेरे दिल की आवाज़ सभी पेरेंट्स तक, सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचाई। अंत में मेरी तरफ से जय जनेंद्र। अभी हमने मुलाकात करी प्रोफेसर बाधा जी से, जिन्होंने बताया कि वो सिर्फ ज़रूरतमंद बच्चों की ही मदद नहीं कर रहे हैं, साथ ही ऐसे बच्चों की भी मदद कर रहे हैं, उनको भी सही राह दिखा रहे हैं, जो कि अमीर होने के बावजूद भी, जो कि वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर वो सही राह पर नहीं चल रहे हैं, रास्ता भटक गए हैं, पढ़ाई की तरफ से उनका ध्यान हट गया है, उनको भी सही राह दिखा रहे हैं सर। और हम प्रोफेसर वाधवा जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करती हूँ, कल फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ और कुछ प्रश्नों के साथ। जय महावीर।